सो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो गाइस, आज हमारे पास सीज़न 14 रॉयल पास के कुछ लीक्स आ चुके हैं। तो आज की वीडियो में आप उनके बारे में कुछ बताऊंगा कि देखते हैं क्या क्या मिलने वाला है इस बार हमको इस रॉयल पास में। तो चलिए फिर देखते हैं। और एक चीज़, इस बार की जो AWM की स्किन है, बहुत ही मारू स्किन है यार, क्या बताऊँ, कतई जहर स्किन है। तो चलिए फिर देखते हैं इस स्किन को और बाकी भी जितनी भी आउटफिट वगैरह मिलने वाली, ये सब देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेट्स गो। तो गाइस, सबसे पहले बात करेंगे हम अपनी लॉबी की। तो लॉबी में आप देख सकते हो काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं, जैसे पहले हर बार के सीजन्स में भी चेंजेस आते रहते हैं। तो इस बार देखिए बैकग्राउंड कैसा है हमारा, एक इजिप्ट टाइप का है, इजिप्शियन टाइप, जहाँ पे मम्मी वगैरह रहती है पिरामिड में, वैसे ही कुछ इस बार की लॉबी की डिज़ाइन है, अच्छी लग रही है। तो देखते हैं फिर फाइनल वर्जन में कैसा आता है। गाइस, इस सीज़न में हमें कुछ ऐसा एक अवतार देखने को मिलेगा जो हम फ्रेम पर लगाते हैं अपना अवतार, तो ऐसा कुछ दिखने को मिल रहा है, ठीक है। और इसी पे बेस्ड एक हमारी आउटफिट भी मिलने वाली है हमें। ये तो एक हेड गेयर का अवतार है, इसी तरह से हमें आउटफिट भी मिलेगी इसी पे बेस्ड। तो अच्छी लग रही है, काफ़ी बढ़िया है। अगर ऐसी आउटफिट मिल जाती है तो काफ़ी मारू आउटफिट होगी हमारी। तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। और गाइज, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसमें दो चीज़ें मैंने दिखाई, एक टीयर रिवॉर्ड्स वगैरह और ये जो भी सीज़न 14 के रिवॉर्ड्स हैं, सारी ये सब चीज़ें मैंने दिखाई हैं। और लास्ट में था एंशिएंट सीक्रेट का जो इवेंट है, उसके बारे में भी मैंने दिखाया, यहाँ पे कुछ स्क्रीनशॉट वगैरह दिखाए हैं कि कैसा गेम प्ले होगा। और जो हमारा मेन कैरेक्टर फैरो है, उससे भी हमारी फाइट होगी, तो उसको लास्ट तक देखिएगा। तो गाइस, जैसे भी मैंने बताया कि आपको हेड गेयर का अवतार मिलने वाला है, ये आप देख सकते हो, उसी की आउटफिट है, उसके बाकी की आउटफिट है, उसका बाकी का पार्ट नहीं चेगा। और इस तरह की दो आउटफिट मिलने वाली हमें, और ये हम देखेंगे किसी इवेंट पर मिलती है, या फिर मुझे तो लग रहा है कि 100 RP पर भी मिल सकती है, कुछ भी हो सकता है, 60 RP पे या फिर 100 RP पे कहीं भी मिल सकती है। तो ऐसा फिर ग्लोबल वर्जन में देखने को मिलेगा कहाँ पे मिलता है। तो चलिए फिर आगे देखते हैं। तो गाइस, अब ये जो आउटफिट है, ये हमें 60 से 100 RP के बीच में मिल सकती है RP रिवॉर्ड में, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी लग रही है स्किन यहाँ पे इस आउटफिट की, मुझे तो बहुत पसंद आई है, खास अगर ये मिल गई तो बहुत ही मज़ा आएगा आउटफिट में। और ये ज़्यादा बहुत उसमें वो भी नहीं है, सिंपल आउटफिट है, लेकिन बहुत ही मस्त डिज़ाइन है इसका। तो गाइस, अब बात करते हैं इस इवेंट की मेन हाईलाइट के बारे में। तो ये जो सीज़न 14 है, इसमें एक इवेंट आने वाला है हमारा, द एंशिएंट सीक्रेट, जो कि मीरामार में होगा। तो गाइस, इस कैरेक्टर का जो मेन नेम है वो फैरो है, ठीक है। और इस पर बेस्ड हमें इवेंट वो भी मिलने वाली है आउटफिट, ठीक है। तो फिर अब देखते हैं नेक्स्ट हाईलाइट की तरफ। तो गाइस, अब इस सीज़न में एक आउटफिट हमें मिलने वाली है, फीमेल आउटफिट, जिसका नाम है डार्क विडो। तो गाइस, अब बढ़ते हैं टीयर रिवॉर्ड की तरफ। तो गाइस, इस बार के टीयर रिवॉर्ड में हमें मिलने वाला है, यहाँ पे डायमंड टीयर पे ये हेड गियर मिलेगा। और इसी के साथ साथ हमें यहाँ पे एक आउटफिट भी मिलेगी, जिसका नाम है वॉरियर सेट। इस पूरे सेट का नाम वॉरियर सेट होगा, जो कि हमें डायमंड टीयर पर मिलने वाली है, ओके। तो गाइस, इस बार हमें RP पॉइंट क्रेट और रिडीम क्रेट जो होती है, इस तरह की स्किन्स में मिलने वाली है, अलग अलग स्किन में तीनों मिलेंगी। तो फिर देखते हैं क्या होता है। और गाइस, वीडियो में बने रहिए, अभी मैं आपको AWM की स्किन दिखाने वाला, बहुत ही मारू स्किन है। तो गाइस, चलिए पहले कुछ बात कर लेते हैं इन फ्रेम्स के बारे में। इस बार जो हमें फ्रेम्स मिलने वाले हैं, तो ये हमें एक बर्निंग समर नाम से एक फ्रेम मिलने वाला है ये, और आगे ये यहाँ पर, ये दो फ्रेम हमें बर्निंग समर नाम के मिलने वाले हैं। और ये जो फ्रेम है यार, कतई जहर फ्रेम लग रहा है, ये तो मैं बहुत यूज़ करूँगा इसको। तो गाइस, ये रही वो AWM की स्किन जिसकी मैं बात कर रहा था आपको से स्टार्टिंग में। और ये स्किन आप देख रहे हो कि काफ़ी मस्त स्किन लग रही है AWM की। और भाई लोग, AWM की स्किन ज़्यादा आती नहीं है, तो इस हिसाब से इस बार की बहुत ही अच्छा होने वाला है ये रॉयल पास हमारा, क्योंकि इस बार हमें AWM की स्किन भी मिल रही है। तो गाइस, अब हमें डायमंड टीयर पे एक यहाँ पे आप देख सकते हो ये मिलने वाला है हमें M24 की स्किन, ठीक है, M24 की। तो गाइस, ये जो स्किन है सबको मिलने वाली है, चाहे उसके पास एलाइट पास हो या ना हो, सबको मिलने वाला है। तो गाइस, अब इस सीज़न में एक हमें यहाँ पे एक इवेंट आने वाला है परचेज बोनस नाम से, जहाँ पे हमें ये आउटफिट मिलेगी और एक
मिनी 14 की स्किन मिलने वाली है जो कि आप परचेज करके ले सकते हो आराम से। तो गाइस अब देख लेते हैं, मैं एस टीयर पे ये पैरासूट मिलने वाला है, पैरासूट की स्किन। जैसा कि आप देख सकते हैं पिछले पैरासूट की स्किन से तो काफ़ी अच्छा है, पिछले सीज़न में जो सीज़न 13 हमारा चल रहा है इस टाइम, उसकी स्किन से तो काफ़ी अच्छा है इस टीयर पे। तो गाइस अब आगे जो चीज़ आने वाली कतई जहर चीज़ है, अब उसको देखोगे तो कहोगे हाँ भाई क्या इवेंट आया इस बार। तो चलिए फिर इस इवेंट के बारे में जानते हैं। तो गाइस हमें अब इस इवेंट में द एंशियंट सीक्रेट इवेंट जो कि मिरामर में हमें मिलेगा, यहाँ पे हम देख सकते हैं मैप में तीन हमें पिरामिड दिखा रहे हैं, पिरामिड जो हैं तीन पिरामिड मिलेंगे जहाँ पे आप जाके जंप करके वहाँ पे देख सकते हो कि वहाँ का लुक कैसा है। तो चलिए फिर देखते हैं कैसा लुक है यहाँ का। तो गाइस अब देखते हैं यहाँ पे, ये रहा हमारा पिरामिड, अब इसके अंदर देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी, क्या क्या होने वाला है इसके अंदर, चलिए देखते हैं। तो गाइस यहाँ उतरने के बाद एक टाइमर स्टार्ट हो जाता है जो कि इस बात का टाइम बताता है कि हमें ये जो पिरामिड है यहाँ पे हमारा ये कुछ देर में उड़ने वाला है, ठीक है। तो अब ये देख सकते हो हम काफ़ी ऊंचाई पे हैं, आप यहाँ से नीचे देखिए पेड़ वगैरह कितने छोटे दिख रहे हैं, तो अब यहाँ पे पिरामिड उड़ने लगा है। तो गाइस अब इस पिरामिड के अंदर हमें लूट भी मिलती है और काफ़ी सारी नई नई चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे कि ये बक्सा देख रहे हो सोने का पिटारा। तो इसको खोलना कैसे, इसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हो ये पजल जैसा है दीवार पर, इनको सॉल्व करना पड़ेगा। तो गाइज़ यहाँ पे जब ये बिल्डिंग उड़ने लगती है, पूरा पिरामिड जो उड़ने लगता है, तो यहाँ पे एक सीक्रेट चेंबर होता है वो ओपन हो जाता है, और जहाँ पे आप ये देख सकते हो दो तरह की कीज़ है, एक यहाँ लेफ्ट में एक राइट में कीज़ अभी मिलेगी, की मिलेगी हमें, जिसको कि हमें टैप करके उसको एक्टिवेट करना होता है ओपन करने के लिए। तो ये देखिए यहाँ पर एक्टिवेट हो चुकी है। अब जो मेन चीज़ होने वाली है गाइज़ के बारे में बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था मुझे, तो अब यहाँ पर देख रहे हो ये जो कैरेक्टर है यही है हमारी फैरो, फैरो जो कैरेक्टर मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में वही है। तो यहाँ पे स्पॉन हो जाती है, उसके साथ साथ क्या करती है हमें अटैक करने लगती है हम पे, और ये देख रहे हो आप यहाँ पर छोटे छोटे स्नेक दिख रहे होंगे बड़े थोड़े कोबरा टाइप के, तो ये हम पे क्या करेंगे अटैक करेंगे, फिर हमें इनको मारना होगा। और इसी के साथ साथ ये फैरो जो है ये भी हम पे अटैक करती है, तो जैसे हम इन स्नेक को मारते जाएंगे हमारी जो एमओ है वो हमें वापस मिलती जाती है रिवार्ड की तरह से, ठीक है, हमें जो लूट मिलेगी वापस मिल जाएगी जो हमारी एमओ जो रहेगी। फिर बाद में लास्ट में हमें क्या करना है, इस फैरो को जब तक मारेंगे, जब तक नहीं मारेंगे तब तक ये सब कांड जो होता है रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो फिर इसको पहले हमें मारना है फैरो को। दोस्तों अब हमने फैरो को मारने के बाद यहाँ पे हम यहाँ से जाके जंप कर जाएंगे, और साथ ही साथ आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जैसे जैसे हम यहाँ से सर्कल छोटा आता जाएगा तो ये जो पिरामिड ये उड़ते उड़ते वो सर्कल के बीच में आता है, तो तीनों पिरामिड एक साथ आ जाते हैं बाद में। तो गाइस अगर ये सब चीज़ें आपको अगर अच्छी लगी हो तो भाई प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो चैनल को और वीडियो को लाइक कर देना ज़रूर।